जी हाँ दोस्त, मैं आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्त कि अगर आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं दोस्त, अगर ऐसा एरर आता है तो प्लगइन कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, नो वैलिड प्लगइन वेयर फॉर्म, तो इस तरह का एरर आता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसी के बारे में आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्त आप इस वीडियो तक देखते रहिए। चलिए दोस्त, यहाँ पे मैं कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्लगइन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अपलोड प्लगइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एलिमेंटर का जो प्लगइन है इसका इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त क्या एरर आता है, क्या इंस्टॉल होता है। यहाँ पे सामने अपने सामने दोस्त यहाँ पे आ चुका है, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लगइन नॉट बी इंस्टॉल्ड, नो वैलिड प्लगइन वेयर फॉर्म। ठीक है दोस्त, इसे सॉल्व करने के लिए दोस्त हम यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे आते हैं और यहाँ पे चूज फाइल्स के ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और जो हमें ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अभी इस प्लगइन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्त इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर देना है, ये वाला जो प्लगइन का जो फोल्डर था ये अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसके अंदर भी कोई एक जिप फाइल हो सकता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्त मैंने इस प्लगइन को एक्सट्रैक्ट पे लगा दिया है, तो दोस्त आप देख पा रहे हैं जो प्लगइन का जो फोल्डर था जिप फाइल का ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसे कट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल इधर आया है। देखिए दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का जो फोल्डर है यहाँ भी आया है। ठीक है दोस्त, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और फोल्डर आ रहा है, इस फोल्डर को अपने इंस्टॉल करना है। फिर से दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका फोल्डर है यहाँ पे चूज फाइल पे हम क्लिक कर दिए और ये वाला मेरा फोल्डर था जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे अनजिप हो गए, ये वाला फोल्डर यहाँ पे बन गया। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसे हम ओपन किए और इसके अंदर जो जिप फाइल है ना इसको अपने को इंस्टॉल करना है। दोस्त इस फाइल को हम जब इंस्टॉल करेंगे ना यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो ये वाला जो फाइल है इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब कोई जिप फाइल नहीं है, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। चलिए मैं आपको दोस्त ये इंस्टॉल होने के बाद दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्त ये बोल रहा है कि प्लगइन जो है अपने अंदर पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे रिप्लेस कर दिया और ये प्लगइन जो था इंस्टॉल हो गया। अभी दोस्त मैं आपको फोल्डर पे मेरा जो जहाँ पे फोल्डर था मैं वहाँ पे चलता हूँ और दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जिस फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला ये जिप वाला था फोल्डर था और ये अनजिप जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ था। अब इसको अगर फिर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर कोई जिप फोल्डर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, और मैंने यहाँ पे इसको भी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने अनजिप किया था तो ये अनजिप हो चुका है और यहाँ पे इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी जिप फोल्डर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। दोस्त आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी प्लगइन्स को आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।